पेशाब से जिनके भी प्रोटीन आता है, या जिनके गुर्दे में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा हुआ है, या जिनके भी गुर्दे में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जानेंगे आज चंद्रप्रभा भट्टी के बारे में, और हम जानेंगे कि कौन सी चंद्रप्रभा भट्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हम जानेंगे कि पतंजलि की सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या बैद्यनाथ की चंद्रप्रभा भट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी, या डाबर की। तो आज मैं आपको ये सारे के सारे चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रप्रभा भट्टी एक तरीके की आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक होती है, जो कि आपको पेशाब से जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, जैसे प्रोटीन लीकेज का, पेशाब में जलन होना, पेशाब कम आना, इन सब में काम करती है। दूसरा, चंद्रप्रभा भट्टी जो होती है वो गुर्दों के जो भी रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, जो कि आपको डॉक्टर स्टेरॉइड देकर के ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी ये मेडिसिन काम करती है। चंद्रप्रभा भट्टी आपको बहुत सारी कंपनियों की बनी बनाई चंद्रप्रभा भट्टी आती है, जिसमें बहुत सारे मुख्य ब्रांड हैं, जैसे कि आपका पतंजलि हो गया, डाबर का हो गया, और आपका बैद्यनाथ का हो गया। तो आप कौन सी वाली चंद्रप्रभा भट्टी परचेज करें? तो देखिए, सभी का अपना अपना महत्व है। जो सबसे ज़्यादा चंद्रप्रभा भट्टी सेल होती है, वो होती है पतंजलि की और बैद्यनाथ की। तो अगर आपको आपके आसपास पतंजलि और बैद्यनाथ की चंद्रप्रभा भट्टी मिल रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको लेने से पहले एक बार अपनी रिपोर्ट, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको भी दिखा करके आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग पावर की आती है, 500 mg आती है, 1000 mg आती है, 800 mg आती है, 200 mg में टेबलेट आती हैं। अब आपको कितनी ज़रूरत है, वो आपकी रिपोर्ट ही आपको बता सकती हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट्स के अनुसार ही अपनी जो मेडिसिन है, वो डॉक्टर के हिसाब से, जो वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको रिपोर्ट दिखा करके आप ले सकते हैं। और ये मेडिसिन काम भी करती हैं, क्योंकि मैंने भी इनका इस्तेमाल किया था, तो ये काम करती हैं, बट थोड़े समय बाद इनका असर कम होने लग जाता है और ये अपना काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आपकी शुरुआती स्टेज है प्रोटीनूरिया की, और आपकी शुरुआती स्टेज है आपके गुर्दे में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की, तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। 10-15 दिन इस्तेमाल करके देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। और जो लोग जादू खोजते हैं, तो कृपया वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि दुनिया में जादू कहीं भी नहीं है। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जादू दिखाया जाता है। जो असलियत है वो यही है कि जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, आपको इसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा कि वो आप पे नुकसान करेगी या आपको बेनिफिट देगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।